तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है आप बताइए ना। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक News 24। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर किसी न किसी मसले पर आए दिन हमला बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। वो किसी को भी नहीं छोड़ते, हर कोई के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर बराहे जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला बोल दिया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी है कि जिस तरीके से हम लोग तालाब में मछली ढूंढते हैं उसी तरीके से बीजेपी कोई चेहरा ढूंढ रही है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी के पास सच बात तो ये है कि कोई चेहरा ही नहीं है। अगर बीजेपी को कोई चेहरा है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट मिलता है, वरना उनके किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि 5 वोट से ज़्यादा कोई नेता ले आए। इस तरीके का बड़ा बयान प्रशांत किशोर ने दे दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6,000 वोट आया था विधायकी में। अभी MLC का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के MP हैं और 5 MP की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते हैं। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूँ, पिछले 30 बरस में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग MLA और MP बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ MLA MP बना है। जिस दल का जिस नेता का हवा हुआ सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। आपने सुना कि कैसे प्रशांत किशोर जुबानी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने RJD को भी लपेटे में ले लिया है, यानी लालू प्रसाद यादव को भी लपेटे में ले लिया है और कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो RJD का है तो इस गलतफहमी में मत रहिए। बीजेपी के डर से लोग लालू प्रसाद यादव को वोट देते हैं और लालू प्रसाद यादव के डर से लोग बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी जिस तरीके से एजेंडा अपनाती है, चाहे वो जातिगत एजेंडा हो या धार्मिक एजेंडा हो, इस तरीके का एजेंडा अपना कर ही बीजेपी कुछ वोट को वसूल पाती है, जबकि हकीकत तो यही है कि बीजेपी के नाम पर कोई वोट देने वाला नहीं है। साथ ही कह दिया कि आज बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन है आप खुद ही देखिए। जिनके पिताजी खुद आज लालू प्रसाद यादव के साथ काम कर रहे थे, बाद में वो नीतीश कुमार के साथ काम किया, आज उनके बेटे जो है बीजेपी के मंत्री है और इस तरीके के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये तो सोचने वाली बात है। इस तरीके से आज प्रशांत किशोर ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से बीजेपी को सुना दिया है और निशाने पर लेते हुए बीजेपी को ये तक कह दिया कि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक News 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।